हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हैं एच के टेक्स एंड ब्लॉग्स। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रेडमी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट रेडमी स्मार्ट बैंड, जो कि आता है एक कलर टच स्क्रीन के साथ में और यूएसबी डायरेक्ट चार्जिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। और ये प्रोडक्ट हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है, इसलिए थोड़ा देर में आ रहा है रिव्यू। तो करते हैं इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पास ही बने हुए घंटे के आइकन को दबाइए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं शुरू इसकी वीडियो को। बॉक्स इसका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल सा बॉक्स है, दोनों तरफ सील लगी हुई है। तो मैं इसके जो ऊपर वाले सील है इसी को फाड़ देता हूँ। तो सील हमने कर दी है ब्रेक और अब हम इसके बाहर निकालते हैं। तो इसमें केवल और केवल हमारे को बैंड मिलता है और देखते हैं साथ में इसके साथ हमें क्या मिलता है। तो और एक सेक्शन बना हुआ था और इसके साथ में कुछ कुछ पेपर वर्क्स है, जिसमें इसी के बारे में हमें बताया हुआ है। और ये क्यूआर कोड है जिससे कि हम इसको कनेक्ट करेंगे, वो हमें बताएगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने बैंड की तरफ। तो बैंड हमारे को इस प्रकार के एक प्लास्टिक के पॉलीथीन के अंदर मिलता है, तो इसे बाहर निकालते हैं। तो ये है इसका लुक, आप देख सकते हैं कि टच स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और अभी ये बंद है तो इसमें चार्ज नहीं है। तो चलिए हम इस पे चार्ज पे लगा के चेक करते हैं। तो इसमें चार्ज नहीं है तो मैं अपने पावर बैंक की मदद से इसे चार्ज पे लगाता हूँ। तो ये मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया और ये फर्स्ट टाइम ऑन हो चुका है और इसमें बैटरी है। तो चलिए बैंड ऑन हो चुका है, तो हम अभी इसमें चार्ज है तो इसे बाहर निकालते हैं और सारे एक्टिविटी के बारे में इसमें चेक करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ पेयर फर्स्ट, तो चलिए हम इसे पेयर करते हैं। तो इसे पेयर करने के लिए सिंपली हमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसे डाउनलोड करने के लिए हमें इसके बुकलेट में एक बार कोड मिलता है, तो हम इसे स्कैन करके वो ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ऐप को डाउनलोड करते हैं और इसे पेयर करके हम आपको बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हैं और इसे पुराने बैंड से भी कंपेयर करेंगे। तो आज के हम अपने बैंड की तरफ, और ये आ गई है बैंड की होम स्क्रीन। तो देख सकते हैं आपके इसमें भी फुट स्टेप जीरो है और बाकी इसमें तारीख और बैटरी का परसेंटेज बता रहा है। जैसे हम ऊपर स्वाइप करेंगे तो इसमें म्यूजिक कंट्रोल के लिए बता रहा है और ये अभी अपना गाना को इसने कैच नहीं कर पाया। ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल है तो यहाँ से आप बैक कर सकते हो और इसमें आप अपना स्टेटस देखते, जैसे स्टेप, डिस्टेंस, कैलोरी वगैरह। और इसके अलावा आप अपने हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें इसमें प्रेस किया और घड़ी को है तो ये इसमें सेंसर ऑन होता है, बंद होता है। जैसे अभी ये ऑन हो चुका है, वापस बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये भी हाथ में कलाई में बंधी हुई नहीं है। तो इसके अलावा वर्कआउट मोड है, वर्कआउट मोड में आप आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, वॉकिंग और फ्री स्टाइल आदि का ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा वेदर मिल जाता है, जिससे अभी क्या है कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो यह फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। और जैसे आप ऊपर से स्वाइप करते हैं तो सब ऊपर से स्वाइप करते हैं तो मोर ऑप्शन में आपको डू नॉट डिस्टर्ब, अलार्म, थीम्स मिल जाती है, जिसमें इसके अंदर अभी आपको डिफ़ॉल्ट थीम्स में डिफ़ॉल्ट थीम इसमें एक ही है अभी और नहीं है, वो आप ऐप से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और इसके अलावा और नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी आता है, नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह के। और म्यूजिक का, स्टॉप वॉच, टाइमर
और सेटिंग्स में आप ब्राइटनेस देख सकते हो। अभी इसमें 5 बार्स है और 2 बार्स है, मतलब इसमें अभी 40% ब्राइटनेस है। इसको आप बढ़ा सकते हो आराम से, और ये इसकी फुल ब्राइटनेस है और डिस्प्ले इसकी काफ़ी ब्राइट है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैंड है जो कि हमारे को मिलती है। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, रेगुलेटरी रीसेट, ब्लूटूथ और अबाउट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें इसके ब्लूटूथ वर्जन और फर्मवेयर वर्जन के आदि के बारे में बता रखा है, और रिबूट का ऑप्शन और सब ऑप्शन इसी में मिलता है। तो ओवरऑल में बताऊँ तो एक स्मार्ट वॉच है और काफ़ी अच्छी वॉच है, जो कि आपको अंडर 16,000 रुपीज़ में मिलती है। तो अगर इसको हम पुराने वाले रेडमी के बैंड से कम एम आई के बैंड से कंपेयर करें, जो कि है मी बैंड का अचारक्स एडिशन जो कि आया था पहले, तो उसमें आपको इतनी छोटी सी डिस्प्ले मिलती है और इसमें काफ़ी अच्छी और ब्राइट डिस्प्ले मिलती है। तो इसके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा बैंड है, और इसमें आपको केवल टच सेंसर मिलता था, डिस्प्ले टच नहीं थी। और इस वाले बैंड में देखो तो आपको एक टच बटन नहीं बल्कि एक लाइन मिलती है, जहाँ पर आप केवल टच करोगे और बाकी पूरी डिस्प्ले ही इसमें टच स्क्रीन है। तो काफ़ी अच्छा बैंड है, और अगर आप बैंड लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये बैंड आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचा। तो इस वीडियो में इतना ही, और बताएंगे इसके बारे में आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जिससे कि आपको भविष्य में आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।